अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की। हम लोग उनसे पूछेंगे कि क्या वो बचपन से ही एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या फिर लोगों को देखते हुए इंस्पिरेशंस लेते हुए उन्होंने अपनी इस जर्नी का आगाज़ किया। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। आई नो यू आर वेरी बिजी मैन और मैं कराची में सबको थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। सबसे पहला सवाल बैरिस्टर साहब इज दिस, व्हाट इज कराची फॉर यू? कराची इज होम, कराची मेरा घर है। मेरी यादें हैं शहर से, कराची इज लव फॉर मी। कराची की हर चीज़ पसंद है, जैसे अपना घर होता है वैसे कराची है मेरा। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपके ज़हन में एक पोटेंशियल सेट था या कोई टारगेट था कि यार मुझे पॉलिटिशियन ही बनना है या मुझे पॉलिटिक्स में जाना? मैंने लाइफ में इतना सोचा नहीं कभी। मैं अपने आप को बड़ा इम्पल्सिव आदमी समझता हूँ, जो कि इम्पल्सिवली फैसले करता है। तो कभी सोचा नहीं था कि सियासत करेंगे। जिस ज़माने में पढ़ रहे थे, बच्चे थे, तो क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट से बढ़कर कोई और रोमांस था नहीं, और यही सोचते थे कि बड़े होके क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। कभी वसीम अकरम को कॉपी करते थे, कभी सईद अनवर को कॉपी करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब तालीम और क्रिकेट को साथ लेकर चलना मुश्किल हो गया, तो फिर तालीम पर तवज्जो दी, हादसाती तौर पर लॉ की तरफ आ गया। लॉ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बारेट लॉ किया और फिर प्रैक्टिस में आ गए। और प्रैक्टिस में आने के बाद फिर अल्लाह ताला ने, चूँकि एक सियासी घर से ताल्लुक़ था तो सियासी सोच थी, पॉलिटिकल इवेंट्स में हम इन्वॉल्व ज़रूर होते थे, लेकिन कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि इतनी कम उम्री में मैं सियासत में आ जाऊँगा। बट कोइंसिडेंस था, सियासत में आ गया और अब सियासत में आ गए तो सियासत रोमांस हो गई है। अच्छा, मुझे आपके एक बहुत करीबी शख्स ने बताया एक दफ़ा कि स्ट्रीट क्रिकेट जो है दैट वाज योर पैशन, एंड कराची में स्ट्रीट जो क्रिकेट है दैट इज़ अ ह्यूज डील। जो टीम्स बनती हैं, जीतती हैं, हारती हैं। लाहौर में कुछ रमज़ान के दौरान हम लोगों को स्ट्रीट क्रिकेट देखने को मिलता है, लेकिन कराची में इट्स अ बिग थिंग फॉर एवरीवन। कैसा लगता है आपको कराची में ये जो स्ट्रीट क्रिकेट का एक पैशन है? स्ट्रीट क्रिकेट वॉज नॉट माई पैशन, इट इज़ स्टिल माई पैशन। अगर आप मुझे अभी भी कहेंगी कि किसी जगह पे क्रिकेट हो रही है तो मैं खेलने की ज़रूर कोशिश करूँगा, मुझे मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, तो जब मौका मिलता है खेल लेते हैं। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हर शहरी को एक नेचुरल क्रेज़ है क्रिकेट के बारे में। तो कुछ लोग हैं जिनको ग्राउंड लेवल पर खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ लोगों को सड़क पर खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ हार्ड बॉल से खेलते हैं, कुछ टेप बॉल से खेलते हैं, बट क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं। तो मैं भी उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जो क्रिकेट खेल लेते हैं और क्रिकेट देखने को भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, सो मच पैशन फॉर द स्पोर्ट, यू आर एडवाइज़र टू CM एज वेल ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी या मैं आपके थ्रू ये एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहती हूँ, बिकॉज एज़ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, हम लोग अभी शूट कर रहे थे लियारी में और वहाँ पे जो फीमेल टीम्स हैं फुटबॉल की, लड़कियों की, बच्चियों की, 17 साल की, 20 साल की, 21 साल की, देन देर आर गर्ल्स जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, ऑलरेडी दे हैव अचीव्ड सो मच, दे आर होपिंग के गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनको कुछ हेल्प आउट करे टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स। ऑलरेडी दे हैव इस्टेब्लिश अ लॉट क्योंकि वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान को। तो एनी थिंग यू वॉन्ट डू फॉर लियारीज स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बॉक्सिंग, एनीथिंग इन पाइपलाइन? किरण, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जब नेशनल मीडिया पर बात होती है लियारी की तो नेगेटिव बातें होती हैं, तो आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी पॉजिटिव बात की कि उस लियारी के बारे में जिसमें बड़ा नेगेटिव तस्वुर है, वहाँ पर बच्चियाँ खेलते हुए आपको नज़र आ रही हैं, वो बच्चियाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रही हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो ये एक पॉजिटिव साइड है जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हाईलाइट नहीं होती। हमारे यहाँ बच्चियाँ वहाँ पे आपको चेस खेलते हुए नज़र आती हैं, बैडमिंटन खेलते हुए नज़र आती हैं, बॉक्सिंग है, फुटबॉल के अंदर लड़कियाँ बड़ी इंथूजियास्टिकली पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसी लियारी के अंदर हो रही हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की कमिटमेंट का ताल्लुक है, अभी रिसेंटली कुछ बच्चे थे स्कूल लेवल के जो फुटबॉल में दे हैड डन वेरी वेल,
तो सिंध गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट अनाउंस की, ग्रांट उनको मिली, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे मुलाकात की। सिमिलरली एक बॉक्सर थे हमारे जो कि इंटरनेशनल इवेंट में जाना चाह रहे थे, ही डिड नॉट हैव द मीन्स टू एक्चुअली फंड हिज इंटायर जर्नी कॉम्पिटिशन, तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको फंड किया। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें पता चलती हैं हमारे नोटिस में आती हैं उसके अंदर हम अपना किरदार अदा कर पाते हैं, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इट सेल्फ भी अपनी स्कीम्स के ज़रिए इस तरह के स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स पर्सनस को, जिसमें ख़वातीन मर्द दोनों आ जाते हैं, उन तमाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। बहुत सारा काम हो रहा है, बट हैविंग सेड दैट मैं समझता हूँ और ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, और मीडिया को मैं समझता हूँ वो जो अच्छा पॉजिटिव काम है उसको हाईलाइट करने की, उजागर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बड़ा राइटली आपने कहा कि वो लियारी जो कि किसी और चीज़ के बारे में तस्वीर किया जाता है, वहाँ पर आपको बच्चियाँ खेलते हुए नज़र आती है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ लियारी, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ आर सिटी ऑफ कराची एंड द प्रोविंस ऑफ सिंध। थैंक यू सो मच सर। एक मैं आपसे, आई वॉज रीडिंग अ पीस बिफोर कमिंग हेयर, इन्वायरमेंट पे आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, वेयर यू सेड के रेस्टोरेंट ऑनर्स जो हैं यहाँ कराची में जो सारे मतलब चीज़ें हैं इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर आने से पहले या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने से पहले आई वेंट टू ग्रास रूट लेवल, लियाकताबाद से लेके डिफेंस तक, करंगी से लेके लियारी तक, सारी जगह घूम फिर के, यहाँ तक कि उमरकोट जाके देखने के बावजूद, पिथौर गई, सारी फील्ड विज़िट करने के बाद, ये जो कराची का एक मसला है एनवायरनमेंट का, दरख्त कम है, पानी नहीं है, इंटीरियर सिंध में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्यों नहीं हल होता? पानी नहीं, शक्कर से तो नहीं मिलता ना हमें, पानी तो हमें ऊपर से आता है। तो मैं सियासी बात नहीं करना चाहूँगा, बट चलें चूँकि एक पॉलिटिकल इसके अंदर कॉनोटेशन है, हमारा स्टेटेड पोजीशन है प्रोविंस ऑफ सिंध की, जो इंडस वाटर अक्रॉड के तहत पानी मिलना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को, सूबे सिंध को, वो पानी हमें नहीं मिलता, तो नेचुरली वो शॉर्टफॉल आता है। जिस तरीके से सूबे सिंध की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, उसकी आपको पूरे मुल्क में कोई और मिसाल नहीं मिलती। नेचुरली IDPs डिस्प्लेस होते हैं तो वो कराची आते हैं, अफगान डिस्प्लेस होते हैं तो वो भी कराची, हैदराबाद या सिंध के किसी हिस्से में आ जाते हैं। तो बड़ी वेलकमिंग इन्वायरमेंट है शहर, इस सूबे की, इस शहर की, जिसकी वजह से लोग आते हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उन तमाम चीज़ों के ऊपर होता है। और नेचुरली जब इतनी एक डाइवर्स पॉपुलेशन हो तो आपको लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्लांटेशन जो है वो दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, और मैं समझता हूँ क्लाइमेट चेंज सिर्फ सूबा सिंध का है या इस शहर का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर का मसला है। तो नेचुरली इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई एक कस्बे के लिए, एक गांव के लिए, एक देहात के लिए आप स्ट्रैटेजी में रास्ते, एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बना रही है, जिसका एक हिस्सा ये है कि आपको अपने क्लाइमेट के फैक्टर्स को मिटिगेट करने के लिए एक्सेसिव प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, और हम मुख्तलिफ मकामात पर प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिलावल साहब मंडे को हैदराबाद गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट की डेवलपमेंट की इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। 1 लाख इंडिजिनस पौधे नीम के, गुलमोर के, बबर के प्लांट किए जा रहे हैं हैदराबाद ज़िले में। इसी तरीके से सखर के अंदर और लाड़काना के अंदर अर्बन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किया गया है। हम कराची की अगर बात करते हैं तो कराची के अंदर किडनी हिल, एक बड़ी पुरानी हमारी जगह थी, वहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख पौधे प्लांट किए गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो पार्क है माई कुलाची पे, वहाँ पे प्लांटेशन की गई है। कोरंगी हमारा एक ज़िला है, उस कोरंगी के अंदर 13,000 सैपलिंग्स जो हैं प्लांट किए गए हैं, मैं उसको सुपरवाइज भी कर रहा हूँ। क्लिफ्टन की जो हमारा बीच है उसके ऊपर अभी हमने एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, और तकरीबन कोई 20 एकड़ की एक पट्टी है जिसके ऊपर हमने प्लांटेशन कर दी है। मुझे पता होता आप इसके ऊपर सवाल करेंगी तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, और योर कैमरा वुड हैव शोन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ओवर कि किस तरीके से वो बीच जो कि माजी में तबाही का शिकार था, जहाँ पर कोई प्लांटेशन तसव्वुर नहीं करता। आई गेस देयर वाज अ फेस्टिवल आल्सो, फ्लावर फेस्टिवल चल रहा था बीच के। फ्लावर फेस्टिवल जो है मल्टीपल जगहों पे चल रहा है, एक CVU के ऊपर भी फ्लावर फेस्टिवल हुआ, और एक फ्राइडे को बाग इब्ने कासिम पे फ्लावर फेस्टिवल KMC करने जा रही है। वो तमाम चीज़ें कराची की रौनकों को बहाल करने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट कर रही है। बट मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है
जिसमें शहरी को और हुकूमत को मिलकर काम करना है। मैं समझता हूँ जब तक शहरी हुकूमत का हाथ नहीं थामेंगे उतनी आसानी से उतनी इफ़ेक्टिवली ये काम नहीं हो पाएगा। तो जहाँ हुकूमत ये काम कर रही है, मैं शहरियों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको सदका जारिया समझ के इन प्लांटेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें, वो ख़ुद पौधे भी लगाना शुरू करें, उसको ओन करें, ताकि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर खुशगवार माहौल छोड़ के जाएँ। एक एक अगर मैं लाइन ऐड करूं, मुझे बड़ी अच्छी लाइन है कि दरख्त का साया सबको चाहिए, अपने लिए भी अपनी गाड़ी के लिए भी, लेकिन दरख्त लगाना किसी को नहीं है। तो अगर हम ये सोच लें कि शायद आज जो मैं दरख्त लगा रहा हूँ वो आज से 20 साल बाद हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारी जो अगली नस्लें हैं उनके काम आएगा, तो मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये चीज़ की जा सकती है अगर हम सब ये ठान लें कि हाँ ये हमारा अपना मुआशरा है, इस मुआशरे को इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, नाउ आई विल आस्क यू समथिंग। बहुत ज़्यादा यूथ जो है इट लुक अप टू यू बिकॉज वी हैव मैनी, आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा नंबर्स हैं जहाँ पर हमें यंग पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं फील्ड में, जो अपनी फील्ड को लेके, पॉलिटिक्स को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा वेरी राइट उनकी अप्रोच होती है कि येस और नो, देर इज़ नो ग्रे, वो लाइन नहीं होती ना जो एक पॉलिटिशियन की होती है कि अच्छा देखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। अब जो हम लोग यूथ एक देख रहे हैं या हम लोग एक एक ट्रेंड देख रहे हैं मीडिया में स्पेशली फॉलो करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर किसी का होता है तो हम लोग सोशल मीडिया पर बैशिंग शुरू हो जाती है, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ अगर आप अपने यूथ को एक मैसेज देना चाहें कि हाउ दे कैन परस्यू पॉलिटिक्स बाय स्टेइंग एथिकली सिविलाइज्ड कम्युनिटी। आई थिंक कोई चीज़ करने के लिए भी सिविलाइज होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ तहजीब और तमद्दुन जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी माशरे का बड़ा अहम जुज़ होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने तनकीद की राह में एक बद तहजीबी का अंसर स्टार्ट कर दिया जिसमें हम ना बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, ना ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, ना बच्चों का लिहाज करते हैं, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ आ गई है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे को सस्टेनेबल अंदाज से बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आपके फैसेट्स ऑफ सोसाइटी है ना उनका एक कन्फाइंड रोल होता है, बट जो पॉलिटिकल रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को बड़े पैमाने पर इन्फोर्स करना चाहते हैं तो वो सियासत के थ्रू हो सकता है, और अगर आप सियासत में शाइस्तगी ले आएँ, तहजीब ले आएँ, अगर आप अननेसेसरीली बिलो द बेल्ट किसी के ऊपर अटैक ना करें, तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और इसका जो सही मैसेज है वो हमारी यूथ को, जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता चलेगा कि जी हाँ, आप तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ भी अपनी सियासत कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डिसएग्री, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं ऊंची आवाज़ से आपको जवाब दूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके किरदार के ऊपर अटैक करूं या किसी और अपने क्रिटिक के किरदार के ऊपर अटैक करूं। आप क्रिटिसाइज़ करें मुझे उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ ये मेरी इस्लाह के लिए है, इसको हम बेहतर बना सकते हैं। और अगर मैं आपकी तनकीद के जवाब में अपना जवाब दूँ तो मैं समझता हूँ आपको उसको भी पॉजिटिव अंदाज से लेना चाहिए कि हाँ ये रेटरिक नहीं है, ये एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक अच्छे मुआशरे का हुस्न यही है कि डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, हम सब अग्री करें डिसएग्री करने के लिए बट कोएग्जिस्ट करें। मतलब पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, सब इस मुआशरे का हिस्सा हैं। लेकिन ये जो हम पार्टीज़ बना देते हैं ना कि जी हम बात नहीं कर सकते, अगर मैं पीपल्स पार्टी वाला हूँ तो मैं बुरा हूँ, अगर आप फलाने हैं तो आप बुरे हैं, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है और इस नेगेटिविटी को हमें अपने मुआशरे से ख़त्म करना होगा। डू यू थिंक एट वन पॉइंट व्हेन एमक्यूएम वाज वेरी पावरफुल इन सिंध, इन स्पेशल इन कराची, सो दे अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी वेयर दे वेंट टू द ग्रास रूट लेवल एंड दे इंडल्ज्ड एवरीथिंग, मतलब मिडिल क्लास से लेके ऐसे घर, मतलब जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे लोग थे, दे कुड रिलेट टू दोज पीपल, मतलब वो अपनी लीडरशिप के साथ वो रिलेट
कर सकते थे. अब खैर वो एक नहीं है चीज़. डू यू थिंक दैट पीपल्स पार्टी लैक्ड दैट कनेक्शन अ लिटिल बिट, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पेस दी गई तो एम क्यू एम हावी हुई थोड़ी सी. डू यू थिंक के देर इज़ अ चांस कि वी कुड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स? गलती से इंसान हमेशा सीख सकता है और गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए. लेकिन मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े एहतराम के साथ नहीं नहीं प्लीज 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 एब्सोल्युटली बड़े एहतराम नहीं नहीं सर हमारा पहला पॉइंट था वो है ही यही प्लीज जी दायरे में रह के बात करनी चाहिए. देखिए मैं समझता हूँ कराची शहर के अंदर कभी पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिली. भुट्टो साहब का ज़माना अगर आप उठाएँ तो कराची से जे यू पी इलेक्ट हुई, पीपल्स पार्टी इलेक्ट नहीं हुई. जब आप 88 से लेके 99 की बात करते हैं तो कराची शहर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्ट हुई, जमात इस्लामी इलेक्ट हुई, नून लीग भी इलेक्ट हुई. 2002 के बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल इलेक्ट हुई और उसके बाद एमक्यूएम और अब पीटीआई. तो कभी कराची में पीपल्स पार्टी को उस तरीके से फ्लरिश करने का अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला या मौका नहीं मिला. बट पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन एफर्ट कर रही है कराची के लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए. उसकी वजह यह है कि हम सिंध में गवर्नमेंट है हमारी और कराची हमारा कैपिटल है. तो ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट और उसके कैपिटल सिटी के शहरियों में डिस्कनेक्ट होना चाहिए, डिस्टेंस कोई रहे. तो मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराची शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ. मेरे पास कराची शहर का मैंडेट नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंसिटिविटी है टूवर्ड्स कराची कि उन्होंने कराची के एक नुमाइंदे को, कराची के एक शहरी को एक इम्पॉर्टेंट जगह पर अपॉइंट किया. सईद गनी साहब हैं, कराची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं. शला रज़ा साहिबा हैं, कराची शहर से ताल्लुक़ रखती हैं. वक़ार मेहदी साहब हैं, कराची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं. अल्लाह बख्शे राशिद रब्बानी साहब थे, कराची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं. अभी सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ, ताज हैदर साहब सेनेटर बनाया गया, कराची से ताल्लुक़ है. शरी रहमान साहिबा को बनाया गया, कराची से ताल्लुक़ है. सलीम मांडीवाला साहब को सेनेटर बनाया, कराची से ताल्लुक़ है. फारूक नाइक साहब को सेनेटर बनाया, कराची से ताल्लुक़ है. तो ये शो करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट टूवर्ड्स कराची. मैं समझता हूँ थोड़ा कराची वालों को भी समझने की ज़रूरत है कि जेन्युइन एफर्ट पीपल्स पार्टी कराची के इश्यूज़ को समझने के लिए कर रही है और कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक जेन्युइन एफर्ट की जा रही है. मैं आई टेक प्राइड इन दिस कि मेरे पार्टी का चेयरमैन जो है वो कराची में पैदा हुआ है. कराची इज़ अ सिटी. सिंध का चीफ मिनिस्टर जो है वो कराची में पैदा हुआ है. कराची इज़ अ सिटी. तो एक जेन्युइन एफर्ट है. एंड एज आई सेड अर्लियर कि ताली दोनों हाथों से बजती है तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत तो अपना हाथ बढ़ा रही है. अब कराची वाले वो हाथ थामे तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज मुल्क भर में जाएगा. यू थिंक दिस पार्टनरशिप कैन गेट अलॉन्ग इन द फ्यूचर एज वेल? क्यों नहीं. मैं समझता हूँ आपके मसाइल के हल के लिए शहरियों को और हुकूमत को मिलकर काम करने की ज़रूरत है. एंड हियर इज़ अ गवर्नमेंट जो कि शहरियों के साथ काम करने को तैयार है. हम ये नहीं कहते कि जी कराची ने हमें वोट नहीं दिया. अगर ये लॉजिक होती पीपल्स पार्टी की तो शायद मैं आज इस जगह आपके सामने नहीं बैठा होता. पीपल्स पार्टी खुले दिल के साथ इस उम्मीद के साथ कराची में काम कर रही है कि कराची वाले फील करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ कमिटेड टू द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ कराची. एंड जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट कर सकती है कराची के मसाइल को हल करने के लिए, वो मसाइल का हल तलाश करने के लिए सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है. अच्छा बैरिस्टर साहब, लाइक यू हैव स्टडीड लॉ, आप बाकी आम लोगों से लॉ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं. डू यू थिंक के देर इज़ अ कल्चर नाउ फ्लारिशिंग इन आर सोसाइटी कि हम सब कुछ बैन कर रहे हैं, इफ़ इट्स एंटरटेनमेंट, इफ़ इट्स एनीथिंग, हम लोग बैन कर देते हैं और हम ऐसी कोई चीज़ नहीं ला रहे जहाँ पे हम लोग कोई लॉ मतलब ला सकें कि बैन की तरफ हम ना जाएं, बल्कि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एप्स जो कि हमारी यूथ बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. दे डोंट हैव एनी अदर एंटरटेनमेंट सोर्स. बाकी सब कुछ चीज़ें बैन होगी, हमने बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर दी चीज़ें उनके लिए. जो मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, आई डिड अ शो के हमारे बचपन में पपेट्स शो होते थे लाहौर की. अगर मैं कल्चर की बात करूँ, थिएटर बहुत अच्छा था, हम फिल्म्स लगती थी, बट अब वो नहीं है. और बच्चों के पास सिर्फ सोशल मीडिया ऐप है या एप्लीकेशन हैं या ऑनलाइन गेम्स हैं, उनको भी अगर हम लोग बैन कर देंगे और कोई ऐसा लॉन्ग टर्म लॉ नहीं लाएंगे जो कि हमारे उन चीज़ों को सेव कर सके और बाहर के इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर सकें डिजिटल हमारी इस पूरी इंडस्ट्री में, डू यू थिंक के वी हैव टू बी अ लिटिल बिट लिबरेटेड टुवर्ड्स इट और वी आर लैकिंग द लॉ बेसिकली? आप लोगों को सांस नहीं लेने देंगे तो लोग सफोकेट होंगे ना. और यही इसका जवाब है कि लोगों को सांस लेने की इजाज़त होनी चाहिए, लोगों को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए.
जो हमारे हुकूमतें हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपको लोगों को स्पेस देनी होगी। अब रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट का मैंने फैसला देखा कि उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब अनफॉर्चुनेट है, मैं तो बड़ा कंसिडर्ड मेरा व्यू है कि पॉलिसी बनाना अदालतों का काम नहीं है, पॉलिसी बनाना जो है वो उसके इलेक्टेड जो पार्लियामान है उसका काम है। तो ये पॉलिसी जो बंद करने की है ये असेंबली से नहीं आई है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी इशू नहीं की, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालतों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दीज आर प्योरली पॉलिसी मैटर्स विच शुड बी डेल्ट एक्सक्लूसिवली बाय दी लॉ मेकर्स गवर्नमेंट, जिनका आइनी तौर पर ये इख्तियार है। और जिस दिन मैं समझता हूँ हम सब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम सबको अपने हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें बन पाएंगी, चीज़ों का हल भी हम तलाश कर पाएंगे और सस्टेनेबल चीज़ें अपने लोगों को दे पाएंगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ अपने मुआशरे में जो एक नेगेटिव अंसर आ गया है वो ये कि हम लोग अब मोबाइल फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, इनमें फंस गए हैं। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ अब लोगों ने करना छोड़ दी हैं, जिसका मैं समझता हूँ हमारी सेहत के ऊपर भी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो माजी में आउटडोर एक्टिविटीज़ थी ना, जो कि मेरे बचपन में थी, एब्सोल्युटली उनको होने की ज़रूरत है, बिकॉज वो भी आपके माशरे का और उसके डेवलपमेंट का एक बड़ा अहम अंसर है, और हमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एज सोसाइटी हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए एक बार फिर वो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हों, ताकि लोगों की सेहतें भी इम्प्रूव हों एंड एट द सेम टाइम हम टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा बेरिस्टर साहब, वन थिंग आई रियली वांट टू नो, मैं हर बंदे से ये पूछ रही हूँ, जब आप एक पॉलिटिक्स में आते हैं, आपकी मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, आपको पर्सनली फैमिली के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, सो व्हाट इज़ योर आइडियल वीकेंड और लोकेशन इन कराची वेयर यू वांट टू गो, और वो आप कहें कि यार ये मेरा मी टाइम है, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे? ये तो बस ख्याल में रह गई इस तरह की चीज़, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से टाइम नहीं मिल पाता, बट टाइम निकालने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों से उनके सोने से पहले मिलूँ। मेरे बच्चे कोई 7 सवा 7 बजे सो जाते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि 6 बजे करीब ऑफिस से घर चले जाऊँ, तो बच्चों से उस टाइम पर मिल लूँ, और फिर कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे स्पेशली संडे जो है वो मैं कोई अपनी कमिटमेंट ना रखूँ, संडे को मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। उसमें जो कराची में डिफरेंट जगह हैं, कभी बीच पे चले जाते हैं, कभी किसी फार्म हाउस चले जाते हैं, कभी मॉल में चले जाते हैं, कभी खाना खाने चले जाते हैं, या बच्चों के साथ वैसे खेल कूद कर लूँ, फैमिली के साथ, बच्चे हुए, बेगम साहिबा हुए, तो एक कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं फैमिली मायूस भी होती है कि उस तरीके से शायद टाइम नहीं दे पाते, बट आई एम ग्रेटफुल कि फैमिली ये सैक्रिफाइस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली भी ये सोचती है कि इस पर्सनल सैक्रिफाइस की वजह से शायद सोसाइटी का बाय एंड लार्ज कोई हम फ़ायदा कर पाए। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि आप एक फ़ाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और आप उससे इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं, एंड यू सी अ फाइनल थिंग, उसके पीछे की जो स्ट्रगल है इतनी ज़्यादा, कभी हार कभी जीत, कभी हार्डशिप्स, मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद एक इंसान उस लेवल पे आके बनता है जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। वन थिंग आई रियली वांट टू आस्क यू, डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट अगर अपना टेन्योर पूरा करती है तो द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी बिलावल साहब? डिपेंड करता है सिलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन हो रहा है। अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर अल्लाह ही खैर करे, बट अगर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज अपनी सियासत में देखना चाहते हैं, और उन्होंने पिछले 5-6 साल में देखा कि जिस इफ़ेक्टिव अंदाज से पब्लिक के इश्यूज़ को बिलावल साहब ने उजागर किया है, जिस तरीके से एक आम आदमी की प्लाइट को बिलावल साहब ने समझा है, पाकिस्तान की आवाम की एक उम्मीद
बिलावल साहब की शक्ल में नज़र आती है, और नेचुरली वो उम्मीद एग्जैम्पलीफाई तभी हो पाएगी जब बिलावल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह बनते हैं। तो आपके सवाल का जवाब का अगर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर सिलेक्शन है तो फिर कोई ना कोई कार्टून आ सकता है, अगर इलेक्शन है तो मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी विल हैव अ वेरी सॉलिड चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वन थिंग आपने भी देखी होगी, पंजाब एक टाइम पे पीपल्स पार्टी का गढ़ था और अब नहीं है। यू नीड दैट कम्युनिकेशन विद द पीपल ऑफ पंजाब, स्पेशली लाहौर जहाँ से सारी मूवमेंट्स शुरू होती हैं, तहरीक शुरू होती है। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ना, आप नॉलेज में बात कर रहा हूँ, आप हमारा मैसेज लेके जाएं। मैं सिंध से बहुत ज़्यादा प्यार, यकीन करें, इतनी हॉस्पिटैलिटी मैं लेकर जा रही हूँ। हम लोग हमेशा जो है पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, नॉर्दर्न साइड को, नॉर्दर्न एरियाज़ को, बट ट्रस्ट मी जो इंटीरियर सिंध की मेहमान नवाजी है, जो हॉस्पिटैलिटी है यहाँ की, आपको कहीं और नहीं। ये मैंने इनको डराया था नहीं, खुद कह रही है वॉलंटियर। मैं घूम के, बट आई हैव टोल्ड यू कि मैंने इंटीरियर सिंध जाके विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी के जी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था या कुछ नहीं, वी वेंट ऑन आर ओन और हमने जाके एक्सप्लोर करके लोगों से मिलके ग्रास रूट लेवल पे। मैं आपसे एक सवाल पूछता, आपने बताया आप उमरकोट गई थी, हाउ वाज द रोड नेटवर्क? वेरी गुड, आई टेल यू फ्रॉम वेयर, मैं पिथौरो गई हूँ, पिथौरो से आगे हम लोग उमरकोट गए हैं, उमरकोट का सारा किला देखा है, बीच में अ लिटिल बिट जहाँ पे आशिक वली साहब का वो टीला है एक मिट्टी का, और वहाँ पे थोड़ी सी जिसे कहें कि रोड ख़राब थी, बट इट इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग व्यूज, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पॉजिटिव साइड है जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी सियासत के अंदर हमने इग्नोर कर दिया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूबाए सिंध के अंदर ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते हैं, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ये किरण बीबी आई हैं लाहौर से आई हैं, सिंध टीवी या सिंध गवर्नमेंट के किसी टेलीविजन चैनल नहीं, बिल्कुल है। ये खुद इंडिपेंडेंटली गई और ये आपको सिंध की पॉजिटिव साइड बता रही हैं। और मैं लोगों को जो हमारे दोस्त पंजाब में बसते हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको गलत बयानी कर करके बताया गया है कि सिंध में काम नहीं हुआ। सिंध में बहुत काम हुआ है, सोशल सेक्टर में बड़ा काम हुआ है, रोड नेटवर्क में बड़ा काम हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग बायस्ड हैं, जिनको बुग्ज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो बार बार आपको नेगेटिव चीज़ बताएंगे। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू किरण कि उन्होंने वो पॉजिटिव चीज़ आपको बताई, और इंशाल्लाह ये पॉजिटिव चीज़ अगर आप अगले इलेक्शन में एक्सरसाइज करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ हम सुबह पंजाब के अंदर भी आपके बेहतरीन मफाद में कर पाएंगे। तो इतना कल्चरली रिच है सिंध, हमें छोटी छोटी जगहों पर हमने शूट देखे, तो इनको इनको ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। देखिए एक और अच्छी पॉजिटिव चीज़, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम नेगेटिविटी को छोड़ के अगर पॉजिटिविटी को करें, फोकस कर लेना, तो ट्रस्ट मी वी हैव अ ग्रेट कंट्री, आर पीपल आर ग्रेट, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम वी कैन डू वंडर्स। बट अनफॉर्चुनेटली उस नेगेटिविटी में, वो जो पिछले 22 साल से आपको बताया गया ना, सब कुछ ख़राब है, चोर हैं, डाकू हैं, उसकी वजह से वो नेगेटिविटी है अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल्ड। हमें इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को दुनिया भर में उजागर करना पड़ेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान कैन ऑल्सो डू वंडर। हम लोगों ने, मैंने नासिर हुसैन शाह साहब से भी पूछा था, वी वेंट देयर, और मैं लोगों की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि वहाँ पर पानी का बहुत मसला है। नॉर्दर्न साइड पर भी आप चले जाएँ तो वहाँ पर पानी का मसला होता है, पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, सर्दियों में तो बिल्कुल ही बर्फ़ को वो बॉयल करके पीते हैं। यहाँ पे अगर आप थर पार्कर वाली साइड पे चले, जैसे उमरकोट है, वहाँ पे पानी का बहुत शदीद मसला है कि गंदा पानी है, आरओ प्लांट्स लगते हैं, उनसे फ़िल्टर होके पानी आता है। तो जब हम लोग वहाँ गए, उन्होंने हम सब के आगे ला के ना मिनरल वाटर की बॉटल्स रख दी, एंड आई वाज लाइक कि आप लोग खुद ये पानी नहीं पीते, आप अपने मेहमान के लिए पानी यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। दे सेड कि आप हमारे लिए, हमारी बहुत इज्जत है, तो हम लोग खुद से ये जा के लेकर आते हैं कि हमारे मेहमान अगर आ रहे हैं तो हम लोग उनको ये पानी पिलाएं। हम खुद शायद ये पानी नहीं पी सकते, लेकिन हम लोग अपने मेहमानों को ये पानी पेश करते हैं। पानी का मसला है, बहुत प्रोलॉन्गड है हल होने का। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमसे वादा किया है कि वो हल करवाएंगे, बट पॉइंट इज़ दिस के लोगों की इज्जत जो है वो आपको यहाँ पे आके मिलती है, वो आप उसको किसी भी तरह से उसका कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। वेलकमिंग फीलिंग है ना? एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेलकमिंग, और ये है कि आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। My point was like that there is a communication gap between Sindh and Punjab, which was before at Bhutto Saab times. के जो पंजाब से पीपल्स पार्टी के अभी तक जियाले हैं ना, वो अभी तक स्टिल जियाले हैं, वेरी लेस इन नंबर्स, बट दे आर स्टिल वेरी कमिटेड टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी।
कम्युनिकेशन गैप क्यों नहीं फिल हो पा रहा? कम्युनिकेशन गैप की मल्टीपल वजूहत हो सकते हैं, बट एक सबसे बड़ा जो एंगल है वो यही है कि मीडिया के अंदर उस तरीके से हम अपने काम को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो नेगेटिविटी प्रिवेल कर रही है। दूसरी चीज़ ये पंजाब में जो हमारे साथ बदकिस्मती हुई, हमें लास्ट टाइम पंजाब में इख्तदार 1977 से अब हम आ गए हैं 2021 में, तो ये आपके हो गए 44 साल तकरीबन, राइट 44 साल हो गए हैं। 44 साल अगर आपको इख्तदार नहीं मिलेगा तो जो आपकी सपोर्ट बेस है, जो आपका वर्कर है, वो लेट डाउन फील करेगा। इसको एट द एंड आई टोल्ड यू इट्स वेरी लेस इन नंबर्स बट दे आर स्टिल डेडिकेटेड। आई विल टेल यू द एल्डर जनरेशन हु वाज बिकॉज़ उनकी कमिटमेंट जो है ना वो भुट्टो साहब के फलसफे से, और फलसफा था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आज भी चल रहे हैं वो लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अपने आप को वहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पटवारी से काम होता है, आपको एसी से काम होता है, डीसी से काम होता है, पुलिस में काम होता है, जिसके लिए आपको हुकूमत की मदद चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली 1977 पार्टी को नहीं दी गई एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और मैं समझता हूँ इस 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 मामले को रिजॉल्व करने के लिए कोई बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को उठाने होंगे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पंजाब में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की ज़रूरत है, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मेरी मुराद है एक्सेस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दें। जैसे कि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में बिलावल साहब को उस तरीके से कैंपेन करने की इजाज़त पाकिस्तान भर में नहीं दी गई, जिसकी वजह से नेचुरली उनका मैसेज वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। तो अगर अगले इंतखाबात में बिलावल साहब को उस तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में, गांव देहात में जाने का मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ पंजाब का आम आदमी एक बार फिर भुट्टो के नवासे के साथ कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि जो शख्स भी बिलावल साहब से मिलता है उसको नज़र आता है कि हाँ ये भुट्टो साहब का नवासा है, इसके अंदर वही जोश, वही आवाम से मोहब्बत, वही कंपैशन एक आम आदमी के लिए जो कि शहीद भुट्टो में था। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब टाइम देने के लिए। वी जस्ट विश के जो पंजाब और सिंध के दरमियान एक थोड़ी सी जिसे कहें कि मिसकम्युनिकेशन है या गैप है, वो किसी तरह से फिल अप हो सके। बट पाकिस्तान ये हमारा सारा अपना है, वो KPK हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी मच वेलकमिंग। और कराची के मसाइल जो हैं वो आपको ये आपके हवाले करके अब जा रही हूँ कि जो पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोड्स का मसला है, ये अब आपके हवाले है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक आप जो है इसको पूरा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? पूरा नहीं भी करूँगा तो आपको जेन्युइन एफर्ट नज़र आएगी मामला को हल होते हुए, और मैं कभी आपकी तनकीद के ऊपर बुरा नहीं मानूंगा। मैं आपकी तनकीद को सुनूंगा क्योंकि मैं इस तनकीद को अपनी इसलाह के लिए समझता हूँ, और इस बात की आपको यकीन दहानी कराऊंगा कि देयर इज ए जेन्युइन एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी। इंशाल्लाह कराची के जितने मसले हैं हमारा काम है कि उन मसाइल को लेकर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स तक आना, उन तक ये बात पहुँचाना। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने अपनी जॉब, अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद काफ़ी अच्छी कर ली है। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने का। आपसे मुलाकात दोबारा जल्द होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।